जनपद मैनपुरी के क्रिकेट ग्राउंड आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेशों का केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से उपलब्धियां गिनाई तो वहीं समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 में अब की बार फिर से बीजेपी सरकार बनना तय हो गया है और मैनपुरी की जनता बीजेपी के चारों प्रत्याशी को जिताकर समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ करेगी। मैनपुरी से ही नहीं पूरे प्रदेश से समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होना अब तय हो गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी और जमीनों पर कब्जे होना आम बात थी। उनकी सरकार में बलात्कार डकैती अपहरण जैसी घटनाएं आए दिन होती थी लेकिन पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार 5 साल से चल रही है। कानून व्यवस्था कड़ी होने के चलते अपराधों में कमी आई हुई है। महिलाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार सरकार बनी तो पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार करोड़ों महिलाओं को गैस सिलेंडर किसानों को सम्मानित के रूप में 6,000 रूपए वार्षिक रूपए देने का काम केंद्र सरकार ने किया है तो वहीं कोरोना काल में वैक्सीन के अलावा सभी को राशन वितरण कर प्रदेश सरकार में जिंदा रखने का काम किया। उन्होंने क्या कुछ कहा आइए हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होगा क्योंकि 2 चरणों में हुए मतदान में समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है। उन्होंने जनपद मैनपुरी में चुनाव मैदान में उतरे रामनरेश अग्निहोत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री एसपी बघेल केंद्रीय मंत्री राजवीर सिंह चौहान पूर्व मंत्री के अलावा आशु दिवाकर के हित में जनसभा को संबोधित करते हुए मतदान करने की भी अपील की है। ये पूरा तेज बढ़ जाए ना इतनी नौ की घटिया लगी 6-6 गाड़ी भरकर इसको दिल्ली जेल ले जाना पड़ा। मुझे बताओ कोई भी हो भ्रष्टाचार का पैसा हो तो मोदी जी ने रेल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए जोर से बोलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अरे किमेश बाबू किसको डराते हो भ्रष्टाचार का पैसा जहां जहां छुपाया है पाताल खोदकर उसको गरीबों के लिए सरकार खजा। भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा बहुत कुछ किया। मैं आपको बताने आया मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। 10 साल